मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में ई रिक्शा चालक ने एंटी रोमियो पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर खड़ा यही वह पीड़ित ई रिक्शा चालक है जिसके साथ एंटी रोमियो पुलिस द्वारा मारपीट की गई है। पीड़ित सुमेर गोस्वामी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देते हुए बताया, घंटा घर की तरफ से जा रहा था तभी सामने से आ रही एंटी रोमियो की गाड़ी को देखकर मैं रुक गया। एंटी रोमियो की गाड़ी से उतरे पुलिस कर्मियों ने मेरे साथ मारपीट कर दी। जब मैंने मारपीट करने की वजह पूछी तो कहने लगे तू गाड़ी घुमा रहा है, इसी बात को लेकर मेरे साथ मारपीट कर दी। जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित सुमेर गोस्वामी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। सोमेर क्या बात हुई थी? सर मैं घंटा घर से तरफ से गाड़ी लेके आ रहा था ई रिक्शा, तो वहाँ से स्पीड से लैंडगंज की तरफ से एंटी रोमियो की गाड़ी आती है और पर हम ब्रेक मार लेते हैं तो वो उठा के मैं डंडे मार के पहले उसने यहाँ पे मारा सर गलती हो गई तो फिर यहाँ से उन्होंने कम से 10 बजे डंडे मारे सर। क्यों मारे? फालतू में सर के तुम लोग गाड़ी घुमाते हो घंटा घर पर घुमाते हो। अच्छा तुमने इसकी शिकायत की अभी? जी सर मैं कप्तान साहब के पास शिकायत करने के लिए आया हूँ।